सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। बीते दिन जलंधर के गुरु गोविंद सिंह एवेन्यू में भारतीय जनता पार्टी पंजाब की ओर से रखी गई बजाओ ढोल खोलो पोल रैली में जहां पूरे पंजाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व युवा मोर्चा के नौजवान वर्करों ने इस रैली में पहुंचकर रैली को कामयाब किया, वहीं राजपुरा से भी भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान व हल्का राजपुरा के इंचार्ज सरदार हरजीत सिंह गरेवाल जी की अगुवाई में युवा मोर्चा के जिला प्रधान डॉक्टर अजय चौधरी की देखरेख में यहां से सैकड़ों वर्करों के साथ लगभग 10 बसें व 5 गाड़ियों को लेकर उक्त रैली में शिरकत की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के उप प्रधान सरदार हरजीत सिंह गरेवाल जी ने उक्त बसों व गाड़ियों को सैकड़ों वर्करों के साथ यहां के बसंतपुरा से झंडी दिखाकर रवाना किया। जलंधर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखी गई उक्त रैली के कामयाब होने के बाद सरदार हरजीत सिंह गरेवाल व युवा मोर्चा के जिला प्रधान डॉक्टर अजय चौधरी से न्यूज 89 की टीम ने विशेष बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज जलंधर च जो बजाओ ढोल खोलो पोल रैली सी जिहड़ी ओहदे च युवा मोर्चा दा जिहड़ा हैगा राजपुरे तों काफ़ी अच्छा अजय चौधरी होना दा ते उन्होंने साथियों का काफ़ी अच्छा योगदान रहा। 10 के करीब बसा उन्होंने लेके गए और 5 गड्डियां ते लैके गए, ये उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद और उन्होंने बधाई। मैं समझना पार्टी लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान पाया और इस तरह अगे होर जोरदार तरीके काम करते रहन। मैं समझना कि बाकी भी सारे इन्हों का सहयोग करना चाहिए जो कि बिना सहयोग तो वो लैके गए हैं। तो फिर एक कोई कांग्रेस तो लोग दुखी ने, उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया और हुण यूथ जिहड़ा हैगा आम आदमी पार्टी तो निराश हो गया और इस चक्कर चो जिहड़ा ना नौजवानों रुजगार मिले ने ना किसानों के कर्ज माफ़ी हुई है, शगन स्कीम बंद आ, आटा दाल स्कीम बंद आ, तो इस जिन्या भी वैलफेयर दकीम ने 80 गली चलाईया हुई सी वह भी बंद ने, तो इसलिए लोग परेशान होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ने जलंधर तो अच्छी शुरुआत की है जिसे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान भी रहे सरदार सुखबीर सिंह बादल। मैं समझदा ये बहुत अच्छा योगदान है और बहुत अच्छा आगाज होया तो वह अंजाम अच्छा ही। ठीक है, 23 तरीक न रैली कटी जा रही है बारे थोड़ी जानकारी। 23 तरीक न शहीद भगत सिंह जी के सन्मान च अमृतसर साहिब विखे रैली हो रही है तो उद्दे युवा मोर्चा का बहुत अच्छा योगदान रहने वाला और असं भी उन्होंने सहयोग करा जिस तरह उन्होंने हुण जोरदार तरीके कोल कोल रैली जलंधर विखे योगदान पाया और पहला भी समाणा की रैली जी अकाली भाजपा की सीधे भी बहुत अच्छा योगदान पाया सी। मैं उम्मीद करता हूँ भी अच्छा योगदान पाऊंगा। एक अज नागपाल जी वालों युवा मोर्चा विंग दसया गया ये बारे तो कहना है। ऐसा साडा देश है जिहड़ा वो नौजवान देश है और जिन्हों पूरी इस विषय पर जानकारी ना हो तो मैं कह नहीं सकता उन्होंने की कहा ना मैं सुनया उन्होंने, पर मैं तो यह कहूँगा कि यूथ साढ़े लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण अंग आ विंग नहीं एक अंग आ साडा और यूथ ही असल च बीजेपी हुण अगे चलाएगा, देश में भी चलाएगा, देश में भी अगे लैके जाएगा। वो महत्व में सानू घट करके नहीं जानना चाहिए और वो महत्व में घट करके आंकना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं समझना कि यूथ साढ़े लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हों यूथ के अंदर 50% बच्चियां भी आदि ने और उन्हों का भी योगदान होना चाहिए और युवकों का भी। आज युवा मोर्चा राजपुरा और युवा मोर्चा उत्तरी देहाती जिला पटियाला की तरफ से गरेवाल जी की अगुवाई में जलंधर के लिए हमारी 10 बसें और 5 गाड़ियां 5 सुमो जो है राजपुरा से रवाना हुई, जिसको बसंतपुरा में श्री गरेवाल जी ने झंडी देकर रवाना किया और सैकड़ों की संख्या में हमारे युवा के कार्यकर्ता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो थे वहां पहुंचे और जाके वहां पे कांग्रेस की पंजाब में कांग्रेस शासन के दौरान पिछले एक वर्ष के दौरान वादा खिलाफी और बिगड़ते कानून व्यवस्था के खिलाफ जो हमारे सापला जी और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने जो वहां पे रैली रखी थी वहां पे हमारा जो अपना युवा मोर्चा है पहुंचा। जी आज एक जिला प्रधान जी वालों एक किया गया कि जड़ी गरेवाल साहब तो पहले ही उत्थे रैली में मौजूद सके भी इतों नहीं गए और तुसी कह रहे हो साड़ी इतों उन्होंने अगवाई की है ये बारे थोड़ा जो अपना नागपाल जी बोल रहे हैं ये तो अनुशासनहीनता वाला जवाब हो गया कि पर गरेवाल जी जो है गरेवाल जी ने हमारे बसंतपुरा से हमारे पूरे युवा मोर्चा को
झंडी दे के रवाना किया है और हमारा पूरा युवा मोर्चा बसंतपुरा से रवाना हुआ है। आपने वीडियो में भी देखा है कि ग्रेवाल जी हमारी बसों को झंडी दे रहे हैं और हरी संख्या में हमारे साथ आप युवा मोर्चा से आपको वीडियो में दिखी रहे। मैं श्री ग्रेवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने युवा मोर्चा को इतना आज इतना प्रोत्साहित किया कि हमारी बसों को झंडी भी दी और साथ में हमारे साथ ही चले और हमारे युवा 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 लड़कों को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया और हमारे साथ चल के वो सीधा जलंधर तक हमारे साथ ही गए। मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ग्रेवाल जी का और अपने युवा मोर्चा के सारे मेंबरों का। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।